हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2009 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी को, जिसका नाम है जेनिफर बॉडी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम नीडी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि एक मेंटल एसाइलम में होती है। तभी एसाइलम की एक डॉक्टर नीडी के पास आती है, जो नीडी से खाने के लिए पूछती है, लेकिन नीडी गुस्से में थी और ये उस डॉक्टर को मारती है। तभी यहाँ पर एसाइलम के दो गार्ड आते हैं और वो नीडी को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देते हैं। नीडी कमरे में बैठकर हमें अपने बारे में बताती है। नीडी कहती है कि ये भी पहले एक नॉर्मल लड़की की तरह हुआ करती थी, लेकिन एक दिन इसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। इसके बाद हमें मूवी में 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम एक टाउन को देखते हैं जिसका नाम डेविल्स केटल था। इस टाउन का ऐसा नाम यहाँ मौजूद एक झरने की वजह से पड़ा था, क्योंकि इस झरने का पानी एक गड्ढे में जाता था और गड्ढे में जाने वाला पानी कहाँ जाता है ये किसी को भी नहीं पता। इस रहस्य को सॉल्व करने के लिए कई सारे साइंटिस्ट यहाँ आकर अपना अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद भी ये लोग इस रहस्य को सॉल्व नहीं कर पाते। इसके बाद हमें एक कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम जेनिफर नाम की एक ब्यूटीफुल लड़की को देखते हैं। जेनिफर अपने कॉलेज की सबसे सुंदर और समझदार लड़की है, लेकिन नीडी जेनिफर से बिल्कुल अलग है। जेनिफर और नीडी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। नीडी का यहाँ पर एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम चिप होता है, और नीडी अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा जेनिफर के साथ अपना टाइम स्पेंड करती थी। एक दिन जेनिफर नीडी को एक पार्टी में चलने के लिए कहती है, लेकिन नीडी मना करती है क्योंकि आज ये रात चिप के यहाँ जाने वाली थी। लेकिन जेनिफर नीडी को पार्टी में जाने के लिए कई बार रिक्वेस्ट करती है, जिसकी वजह से नीडी पार्टी में जाने के लिए मान जाती है, लेकिन ये बात चिप को जरा भी अच्छी नहीं लगती। जेनिफर और नीडी पार्टी के लिए एक क्लब में आ जाते हैं और ये यहाँ पर कुछ लोगों से मिलते हैं। जेनिफर यहाँ पर एक ऐसे लड़के से मिलती है जो कि एक बैंड का सिंगर था। इस लड़के का नाम निकोलाय था। जेनिफर निकोलाय से बात करती है और उससे ड्रिंक के लिए पूछती है, जिस पर निकोलाय हाँ कहता है। जेनिफर ड्रिंक लाने जाती है। इधर निकोलाय जेनिफर के बारे में कुछ गलत बात बोलने लगता है, जो नीडी सुन लेती है और ये बात उसे जरा भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए नीडी वो सब बात जेनिफर को बताती है, लेकिन जेनिफर नीडी की बातों पर जरा भी यकीन नहीं करती और ये निकोलाय का शो देखने लगती है। शो चल ही रहा था कि तभी इस क्लब में आग लग जाती है और यहाँ मौजूद सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते हैं। जेनिफर और नीडी भी खुद को बचाने के लिए किसी तरह से इस क्लब से बाहर आ जाते हैं। ये देखते हैं कि क्लब बुरी तरह से जल रहा था और इसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं। ये दोनों यहाँ पर बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर निकोलाय आता है, जो कि जेनिफर को अपने साथ में चलने के लिए कहता है, लेकिन नीडी जेनिफर को निकोलाय के साथ जाने के लिए मना करती है। लेकिन जेनिफर नीडी की बात नहीं मानती और ये निकोलाय के साथ जाने लगती है। नीडी को ये सब जरा भी पसंद नहीं आता कि जेनिफर किसी अनजान लोगों के साथ में जा रही है। नीडी को निकोलाय के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं था। नीडी घर पर आती है और ये जल्दी से कॉल करके चिप को सारी चीजें बताती है। नीडी काफी ज्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि इसे लग रहा था कि जेनिफर के साथ वहाँ पर कुछ बुरा न हो जाए। नीडी यहाँ बात कर ही रही थी कि तभी इसके डोर की बेल बजती है। नीडी जब यहाँ चेक करने आती है तब इसे यहाँ पर कोई भी नहीं दिखता और ये दोबारा से अपने घर में आ जाती है। नीडी को अपने किचन से कुछ आवाज सुनाई देती है। नीडी जब यहाँ चेक करने आती है तब इसे यहाँ पर जेनिफर मिलती है, जिसके शरीर पर काफी ज्यादा ब्लड लगा हुआ था। जेनिफर नीडी को एक डरावनी स्माइल देती है और फिर फ्रिज से कच्चा मांस निकालकर खाती है। मांस खाते समय जेनिफर किसी जानवर की तरह चिल्लाती है। जेनिफर के मुंह से कुछ अजीब सा लिक्विड भी निकलता है, जिसके बाद जेनिफर यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हम नीडी को देखते हैं, जो कि जेनिफर के बारे में सोच रही थी कि तभी यहाँ पर जेनिफर आ जाती है, जो कि बिल्कुल ठीक ठाक थी। नीडी जेनिफर से कल के रात हुई सारी इंसिडेंट के बारे में पूछने लगती है, लेकिन तभी कॉलेज के प्रोफेसर यहाँ आते हैं और ये क्लब में मरे हुए लोगों के बारे में बात करते हैं। प्रोफेसर की बात सुनकर जेनिफर हंसती है। नीडी को जेनिफर का ये बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब लगता है। नीडी जेनिफर के साथ हो रहे सारी चीजों को चिप को बताती है। उधर हम स्कूल के फुटबॉल टीम के कैप्टन जोनस को देखते हैं, जो कि फुटबॉल ग्राउंड में खड़ा होकर अपने मरे हुए दोस्तों को याद कर रहा था और ये अपने दोस्तों की मौत से काफी ज्यादा सैड भी था कि तभी यहाँ पर जेनिफर आती है और ये जोनस को अपने साथ जंगल में लेकर आती है और जंगल में आकर जेनिफर इसके साथ इंटीमेट होने की तैयारी करने लगती है। ये दोनों यहाँ पर किस कर रहे थे कि तभी यहाँ पर जंगल के सारे जानवर आ जाते हैं और ये जेनिफर और जोनस को देखते हैं। जोनस को ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है। तभी जेनिफर जोनस को धक्का दे देती है और अपना डरावना मुंह खोलकर जोनस पर अटैक करके उसे मार देती है। जोनस की चीख वहाँ मौजूद प्रोफेसर भी सुन लेते हैं और जब ये यहाँ पर आते हैं तब ये जोनस को यहाँ
बुरी तरह से मरा हुआ पाते हैं। प्रोफेसर पुलिस को कॉल करके यहाँ पर बुलाते हैं। पुलिस यहाँ आकर जोनस की बॉडी की इन्वेस्टिगेशन करती है। अगली सीन में हम नीडी को जेनिफर के साथ में फोन पर बात करते हुए देखते हैं। नीडी यहाँ जेनिफर से कहती है कि इनके टाउन में हो रही अजीब चीजों से इसे काफी ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन जेनिफर उससे कहती है कि इसे इस टाउन में तो कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। हम देखते हैं कि जेनिफर एक लाइटर से अपने जीप को जलाती है, लेकिन इससे इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जिससे हम समझ जाते हैं कि जेनिफर के साथ उस दिन कुछ तो अजीब हुआ था। अगले दिन स्कूल के सभी स्टूडेंट जोनस की श्रद्धांजलि मनाते हैं। क्लास के बाद कोलिन नाम का एक स्टूडेंट जेनिफर से मिलता है और ये जेनिफर को अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहता है, जिस पर जेनिफर तुरंत ही मान जाती है और ये कोलिन को रात में उससे मिलने के लिए कहती है। रात में जब कोलिन जेनिफर के बताए हुए एड्रेस पर आता है, तब इसे ये जगह काफी ज्यादा अजीब लगती है। इस जगह पर चारों तरफ अंधेरा था। कोलिन को यहाँ पर काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ता है। जेनिफर कोलिन को पीछे से बुलाती है और ये उसके पास आती है। जेनिफर कोलिन से बात करने लगती है कि तभी जेनिफर की आंखों का कलर अजीब तरह से बदलने लगता है, जिसे देखकर कोलिन की फटने लगती है। कोलिन यहाँ से भागने की सोचता है, लेकिन जेनिफर इस पर अटैक करके इसे मार देती है और इसका मांस खाने लगती है। अगली सीन में हम नीडी को उसके घर में देखते हैं, जो कि चिप के साथ इंटीमेट हो रही थी, लेकिन इसे यहाँ पर जेनिफर के विजन्स आते हैं, जिससे नीडी घबरा जाती है और ये यहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। नीडी कार ड्राइव कर रही थी कि तभी अचानक से इसके सामने जेनिफर आ जाती है और नीडी अपने कार से जेनिफर को हिट कर देती है और ये यहाँ से डरकर घर पर आती है। घर आकर नीडी रोने लगती है। नीडी अपने कमरे में जेनिफर को देखती है। जेनिफर यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल थी और ये नीडी से बातें करती है। नीडी को जेनिफर का ये बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है और ये जेनिफर से डर भी रही थी, लेकिन जेनिफर नीडी को यहाँ उससे ना डरने के लिए कहती है और ये नीडी को उस रात हुई सारे इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिस दिन क्लब में आग लगी थी। जेनिफर कहती है कि जब ये निकोलाय के साथ उस रात में जा रही थी, तब निकोलाय और उसके फ्रेंड इसे डेविल्स केटल झरने के पास लेकर आते हैं। निकोलाय यहाँ अपने बैंड और अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए ये जेनिफर को यहाँ मारने वाला था, यानी कि निकोलाय यहाँ जेनिफर की बलि किसी शैतान को चढ़ाने वाला था। निकोलाय यहाँ जेनिफर से कहता है कि क्या तुम वर्जिन हो, तब जेनिफर हाँ कह देती है, लेकिन जेनिफर ने डरकर हाँ कहा था और ये वर्जिन नहीं थी। निकोलाय यहाँ जेनिफर के शरीर पर चाकू से कई बार स्टेप करके उसे मार देता है और ये यहाँ पर अपना रिचुअल पूरा करता है, लेकिन जेनिफर वर्जिन नहीं थी, जिसकी वजह से जेनिफर यहाँ पर फिर से जिंदा हो जाती है। जेनिफर को देखकर हम समझ पाते हैं कि जेनिफर के शरीर पर किसी शैतानी ताकत ने अपना कब्जा कर लिया है और इसके अंदर कई सारे सुपर नेचुरल पावर्स आ गई हैं। उधर हम जान पाते हैं कि निकोलाय का ये रिचुअल तो पूरा हो चुका था, जिसकी वजह से इनका बैंड और बिजनेस सक्सेस होने वाला था, लेकिन इनके रिचुअल में सिर्फ एक ही गलती हुई थी और वो गलती ये थी कि जेनिफर वर्जिन नहीं थी, इसलिए जेनिफर को मारने के बाद भी वो फिर से जिंदा हो गई और इसके अंदर शैतानी ताकत आ गई। जेनिफर बताती है कि जब ये पहले दिन नीडी के घर पर आई थी तो ये इसे मारने ही आई थी, लेकिन नीडी इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, जिसकी वजह से ये उसे नहीं मारती और फ्रिज से कच्चा मांस खाकर यहाँ से चली जाती है। ये सब बात बताकर जेनिफर अपने हाथों पर एक कट मारती है और देखते ही देखते उसका घाव ठीक हो जाता है। ये सब देखकर नीडी डर जाती है, इसलिए ये जेनिफर को अपने घर से जाने के लिए कहती है। इसके बाद जेनिफर घर के विंडो से जंप करके यहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम सभी स्टूडेंट को कोलिन के फ्यूनरल पर देखते हैं। इसके बाद नीडी जेनिफर के साथ जो भी चीजें हो रही थी उसकी सच्चाई जानने के लिए एक लाइब्रेरी आती है और यहाँ से ये कुछ बुक लेकर पढ़ती है। उन बुक्स को पढ़ने के बाद नीडी को पता चलता है कि जब उन बैंड वालों ने जेनिफर को वर्जिन समझकर उसकी बलि चढ़ा दी थी तो उनका बैंड तो मशहूर हो गया, लेकिन जेनिफर के शरीर पर शैतान ने अपना कब्जा कर लिया और इसी वजह से उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स भी आ गई और अब वो पहले वाले जेनिफर नहीं रहे। इन बुक्स को पढ़कर नीडी को पता चलता है कि अगर जेनिफर को सुंदर रहना है तो उसे लोगों को मारकर उन्हें खाते रहना होगा। नीडी को यहाँ ये भी पता चलता है कि जेनिफर को मारने के लिए किसी को उसके सीने में चाकू मारना पड़ेगा, तभी जाकर जेनिफर मर सकती है। नीडी को अपने बॉयफ्रेंड चिप की फिक्र होने लगती है कि कहीं जेनिफर चिप को भी न मार दे। नीडी जेनिफर के साथ हो रही सारी चीजों को चिप को बताती है, लेकिन चिप को इन बातों पर यकीन नहीं होता और ये यहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि स्कूल के सभी स्टूडेंट अपनी डांस पार्टी के लिए अच्छे से तैयार हो रहे थे। नीडी भी इस पार्टी में आती है और ये यहाँ आकर चिप का इंतजार करने लगती है। उधर हम चिप को देखते हैं, जो कि अकेले ही पार्टी में जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में ही इससे जेनिफर मिलती है। जेनिफर यहाँ पर चिप को रोकती है और इसे नीडी के बारे में कुछ गलत बातें बताने लगती है।
रखती है और कहती है कि लीडी तुम्हें धोखा दे रही है। बातों ही बातों में जेनिफर चिप को किस भी करती है और इसे एक सुनसान जगह पर लेकर आती है। उधर लीडी को चिप को यहाँ डांस पार्टी में न आने की वजह से काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है और इसे लगता है कि कहीं चिप जेनिफर के साथ में तो नहीं है। ये जानने के लिए ये जल्दी से चिप के घर पर आती है। चिप के घर आने पर चिप की मॉम लीडी से कहती है कि चिप तो यहाँ से कब का पार्टी में जाने के लिए निकला है। उधर हम जेनिफर को देखते हैं जो चिप को सेड्यूस कर रही थी, लेकिन चिप को ये सब जरा भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि चिप लीडी से सच्चा प्यार करता था। जेनिफर चिप को पानी में धक्का दे देती है और ये उसे मारने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर लीडी आ जाती है। लीडी चिप को बचाने के लिए जेनिफर से लड़ने लगती है। चिप भी जेनिफर की बॉडी में एक रॉड घुसा देता है, लेकिन जेनिफर के पास सुपर नेचुरल पावर्स थे तो ये रॉड घुसने के बाद भी इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चिप यहाँ पर मारा जाता है और जेनिफर यहाँ से भाग जाती है। नीडी चिप की मौत से काफी ज्यादा सैड थी और ये खूब रोती है। नीडी काफी ज्यादा गुस्से में थी जिसकी वजह से ये जेनिफर के घर पर आती है और गुस्से से उसके ऊपर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच यहाँ पर काफी ज्यादा फाइट होती है। जेनिफर यहाँ नीडी के हाथों पर बाइट कर लेती है, लेकिन नीडी यहाँ मौका पाकर एक चाकू को जेनिफर के सीने में घुसा देती है जिससे जेनिफर यहाँ पर मारी जाती है। इन सारी चीजों को जेनिफर की माँ ने देख लिया था जिसकी वजह से ये पुलिस बुलाकर नीडी को अरेस्ट करा देती है। अब मूवी प्रेजेंट में आती है। यहाँ हम देखते हैं कि जेनिफर से लड़ाई के समय जेनिफर ने नीडी के हाथों पर बाइट किया था जिसकी वजह से जेनिफर की पावर्स अब नीडी के अंदर आ चुकी थी और नीडी इस पावर से जेल तोड़कर यहाँ से भाग जाती है। नीडी झरने के पास आती है और यहाँ से ये वही चाकू उठाती है जिससे निकोलाय ने जेनिफर को मारा था। इसके बाद हमें निकोलाय का बैंड दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे और ये अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे थे, लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उन सभी लोगों को किसी ने मार दिया है। और आखिरी सीन में हम सीसीटीवी कैमरे की फोटोज देखते हैं जिसमें हम नीडी को खड़ा हुआ देखते हैं। इसका मतलब ये था कि नीडी ने ही इन्हें मारा है क्योंकि उनकी ही वजह से नीडी की सबसे बेस्ट फ्रेंड और इसका बॉयफ्रेंड मारा गया जिसकी वजह से नीडी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।